मुंबई में ITCHS समिट के मौके पर बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, अमित शर्मा, विद्या बालन नजर आए और सभी इस मौके पर बातचीत को लेकर काफी एक्साइटेड लगे। रवीना टंडन ने बताया कि उनकी वेब सीरीज आने वाली है और राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने बताया कि उनकी आने वाली फिल्म तूफान जो फरहान अख्तर के साथ आने वाली है। विद्या बालन ने बताया कि उनके अंदर बचपन से ही, जब वे 8 साल की थी तभी से एक अभिनेत्री बनने की खुशी थी, तो अब वे अभिनेत्री बन गई हैं। यहाँ मुझसे बहुत बुलवाएंगे, पर इन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इसका नाम है इच समिट। मतलब हम सब में खुजली होती है ना कुछ करने की लाइफ में, उसी इच को, उसी खुजली के बारे में कि किस तरह से अलग अलग लोगों ने उस इच को नर्चर किया और आगे बढ़े और लाइफ में कुछ किया, उसके बारे में है। तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ सही किया, इसीलिए मुझे इनवाइट किया है बात करने के लिए, बट आई थिंक दैट दी आइडिया इज ग्रेट। विषय और प्लेटफॉर्म जैसे आप जानते ही हैं इसी का है, एंड प्रहलाद कक्कर स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड ब्रांडिंग के ज़रिए ये आज समिट रखा गया है। एंड आई थिंक ऐसे मंच बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि जब बात करते हैं अगर मोटिवेशन की और स्टूडेंट्स को और यंगस्टर्स को मोटिवेट करना कि आपका इच जैसे ये है इसका नाम समिट का, लेकिन एक्चुअली मैं कहूँगी कि आपका पैशन क्या है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। सो आई थिंक दे बेसिकली गॉट दिस ट्रेंड सेटर्स काइंड ऑफ अ थिंग। हम गिन चुन के लोग जमा किए हैं प्रहलाद जी ने, कि हम आके मोटिवेट करें स्टूडेंट्स को, इनक्रेज करें, एंड जस्ट ट्राई टू टेल देम के इफ वी कुड डू इट दे कैन डू इट एज वेल। एब्सोल्युटली। वेल फॉर मी सक्सेस इज अ वेरी वेरी डिफरेंट डेफिनेशन। आई थिंक इट इज इट डेफिनेटली डील्स विद के ड्रीम बिग, बिकॉज इफ यू ड्रीम बिग एंड यू हैव द सिंसियरिटी टू वर्क हार्ड टूवर्ड्स योर गोल, यू विल अचीव इट डेफिनेटली समडे। हम होंगे कामयाब एक दिन, एंड आई डू फील वेन यू नो इफ यू गिवन योर 100% एंड यू गिवन योर बेस्ट, इट विल कम टू यू, नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। मुंबई में हुआ ड्यूलेक्स का न्यू कलर लॉन्च, जिसमें ब्रांड एम्बेसडर हैं फरहान अख्तर। इस मौके पर फरहान अख्तर के साथ नजर आए ऑस्कर वेटन पीक मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ साउथ एशिया। इस मौके पर फरहान काफी एक्साइटेड लगे और मीडिया से बातें करते हुए दिखाई दिए। No, I'm just very happy to be a part of this family. Yeah, we've been together for many years now, and every year they keep upping the ante, so to speak. You know, so it's very wonderful for me as an association. There's only positives that I can share, and the rest you can ask these two fine gentlemen standing next to me. Okay, adding to this question, मतलब ऐसे कहा जाता है कि actors whenever they take endorsements, they should be responsible as well. So what are your measures while before signing any endorsement? What do you want? Well, I mean, of course, it is important to know that the company is of good reputation, of sound reputation, that they deliver quality products. It is very important. But at the same time, I mean, as an individual, there is only that much research that one person can do. So to a certain extent, it is your responsibility to find out as much as you can about the brand that you will be representing and associating with. But there is only that much you can know. I mean, I would know as much about any brand that I'm about to sign up with as you would know. You know, so that element of any of suspicion that you have in your mind, that people, I mean, that would remain in anyone's mind when they're asking about something. But as far as this brand goes, it is such a reputed brand. It's been around for so many hundreds of years. You know, the fact that it's really stood the test of time, of quality, of people's expectations, that speaks a lot about it. सिंगर हो या डांसर, इन दिनों सिंगर और डांसर को अपना टैलेंट दिखाने के लिए अलग अलग तरह के रियलिटी शोज ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। ऐसे में एक रियलिटी शो लेकर आ रहा है 92.7 बिग FM, जिसमें सिंगर अपनी आवाज का जादू दिखाते हुए नजर आएंगे। इस शो के जज रह चुके सोनू निगम इस मौके पर बातें करते हुए दिखाई दिए। एक सिंगर को सिर्फ आवाज के बलबूते पे देखना, जानना, पहचानना एक अलग विधा होती है, क्योंकि अमूमन जब हम टीवी पे कोई कॉन्टेस्ट देखते हैं तो हम उस इंसान की पूरी पर्सनैलिटी से वाकिफ होते हैं, वो कैसी दिखती है, वो कितनी उम्र की है, वो कितने उम्र का है, कैसे पेश करता है, डांस करता है या गाता है। इस बार जो जिस तरीके से लोगों ने इन गायकों और गायिकाओं को सुना है,
वो सिर्फ आवाज़ के माध्यम से सुना है और उनको वैसे ही उनसे कनेक्ट किया है। मैंने भी कोशिश ये की कि मैं जब इन्हें सुनूं तो अमूमन अपनी आंखें ऐसे रखूं, मतलब इनके बस आवाज़ से ही मेरे तारुफ हो, और ये पूरी कोशिश की है। मेरे ख्याल से हम इसमें कामयाब हुए हैं, हमें बहुत अच्छे सिंगर्स मिले हैं तीन। जी देखिए, इसके प्रोस एंड कॉन्स हैं। एक तो ये है कि बहुत सारे लोगों को गाने अपनी आवाज़ को सुनाने का मौका मिल रहा है, और क्या होता है कि हर जनरेशन एक अपने से पहले की जनरेशन से मुतासिर होती है, उससे इंस्पायर्ड होती है, तो हम जहाँ कुछ छोड़ते हैं हमारी अगली जनरेशन उसको वहाँ से आगे लेके जाती है, ऐसे होता है अगर वो मेहनत करने वाली हो तो। सो प्लेटफॉर्म्स का ज़्यादा होना बहुत अच्छी बात है, लोग जितना नए सिंगर्स को मौका मिले, और क्या ये भी इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे आप लोग कोई कैमरामैन है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई लिखता है, कोई एक्टर है, कोई सब चाहते हैं कि उनको काम मिले, रोज़गार मिले, सब चाहते हैं कि उनको कौन घर में बैठना चाहेगा। तो जितने प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं लोग जानते हैं पहचानते हैं, फिर वो अपने मोहल्ले में अगर वो नंबर वन भी नहीं होते तो कम से कम अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में, अपने सिटी में, अपने शहर में, अपने स्टेट में फेमस हो जाते हैं। फिर कुछ शोज़ मिलते हैं, उनका रोज़गार चलता है, उनकी फैमिली चलती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है हार्ड वर्क करने का, तो ये बड़ी अच्छी बात है। उसमें एक प्रॉब्लम यह है कि इतने सिंगर्स आ चुके हैं कि किसी भी एक को पूरा ग्रो करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अब बहुत सारे सिंगर्स कंपोजर्स जो हैं वो कई सिंगर्स को एक साथ गवाते हैं, 8-8 9 सिंगर्स को, 12 सिंगर्स को एक गाना गवाते हैं, तो उस वजह से सिंगर्स का पूरा कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता कि वो यू नो श्रेय घोषाल के तरीके से या सुरेंद्र चौहान के तरीके से फेमस हो जाए, बड़ा हो जाए। इसके पहले कि वो फेमस होते हैं वो नीचे जाते हैं या उनको मौका नहीं मिल पाता। सो ये भी बात है, बट आई सी मैंने कहा ना हर बात का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कॉन्स होते हैं, जिसमें दम होता है वो आगे निकल ही आता है, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। हाँ जी, बीती रात मुंबई में रखी गई लुका छुपी की स्क्रीनिंग, जहां बॉलीवुड के कुछ सितारे नजर आए, और सबसे पहले इस मौके पर कृति सेनन अपनी फैमिली के साथ पहुंची, और वहीं कार्तिक आर्यन भी अपने परिवार वालों के साथ स्क्रीनिंग को देखने आए हुए थे। महेश भट्ट, पूजा भट्ट, एकता कपूर और बहुत सारे अन्य सितारों को सोहो हाउस में स्पॉट किया गया, जहां वो डिनर के लिए गए हुए थे। सिद्धार्थ मल्होत्रा, अनुराग कश्यप और रकुल प्रीत को एक रेस्टोरेंट में स्पॉट किया गया, जहां वो पार्टी करते हुए दिखाई दिए। सुजैन खान को सैलून में स्पॉट किया गया। कृति सेनन, कार्तिक आर्यन और रणवीर सिंह को अपनी फैमिली के साथ सोहो हाउस में स्पॉट किया गया, जहां वो डिनर के लिए गए हुए थे। अमृता अरोड़ा के घर नजर आए छोटे नवाब, यानी कि तैमूर अली खान, जो हॉर्स राइड कर रहे थे।